दोस्तों इस समय हमारी उत्तर प्रदेश की कवरेज लगातार आप देख रहे हैं। इस समय हम आजमगढ़ पर हैं, जहां पर कुछ लोग हैं, सीधा उनसे चर्चा करते हैं। आजमगढ़ अखिलेश यादव का जो अगर बात करें उनका संसदीय क्षेत्र है और सीधा वहां की जनता से सीधा चर्चा करते हैं। सर क्या नाम है? विनोद कुमार। विनोद जी देखते हैं क्या देख रहे हैं, चुनाव आ गए हैं, अखिलेश यादव कहते हैं 402 सीटें, आपके जो क्षेत्र के सांसद हैं वो। क्षेत्र के सांसद होने से क्या होता है, क्षेत्र की धरातल पे जब उन्होंने कोई काम किया ही नहीं तो क्षेत्र के कहने से 402 सीटें या 395 सीटें या 380 सीटों से क्या होता है, कुछ नहीं होता है। बातें हवा हवाई हैं और कुछ नहीं, धरातल पर कोई काम नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है, जिसे वो अभी हवा हवाई खाली बातें किए जा रहे हैं, मेरे हिसाब से तो कुछ भी नहीं है। वो तो कहते हैं कि 22 में 22 किल, वो तो कहने की बातें हैं ना, जो करने वाली बातें हैं वो तो सामने जनता करेगी और लोग करेंगे और इलेक्शन डिसाइड करेगा। अभी तो फिलहाल डेट कंफर्म नहीं हुई है, अभी तो लोग अपनी बातें ही रखे जा रहे हैं, बाकी देखते हैं देखते हैं। अच्छा ये बताइए किसान आंदोलन का क्या प्रभाव, अगर बात करें किसान आंदोलन को कैसे देखते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश की बात है, इलेक्शन का टाइम है, कैसे देखते हैं? किसान आंदोलन पे तो सर राजनीति के अलावा और कुछ नहीं हुआ है, किसानों के हक में कुछ भी नहीं बचा। जो किसानों के लिए सरकार आंदोलन लेके आई थी हमारे लिहाज से बहुत ही बढ़िया था, जो भी कृषि कानून थे तीनों के तीनों कृषि कानून बहुत अच्छे थे, लेकिन ये राजनीतिक मुद्दा बन के रह के गया है और कुछ नहीं। इन्होंने किसानों के हक में कुछ भी नहीं छोड़ा, किसानों ने अपने पैरों पर लाठियाँ खुद मारी हैं और कुछ नहीं। लेकिन वो तो कहते हैं कि किसान जो बिल अगर वापस किए, प्रधानमंत्री ने माफ़ी मांग लिया, यानी किसान बिल गलत थे, आप अच्छा बता रहे हैं। प्रधानमंत्री माफ़ी मांग ले जनता के साथ, इससे बड़ी बात क्या है, क्योंकि प्रधानमंत्री खुद उस चीज़ को लेके आए थे, जनता के बीच में लेके आए कि आपके हक के लिए कानून है, लेकिन राजनीतिक पार्टियों ने इसको एक मुद्दा बनाकर, इसको एक धरना प्रदर्शन का मुद्दा बना के रख दिया, एक राजनीतिक मुद्दा बना के रख दिया और कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं। क्या नाम है सर? प्रदीप तिवारी। तिवारी जी क्या देख रहे हैं, ब्राह्मण वोट को लेकर बड़ी चर्चा है, आप तिवारी जी हैं क्या देखते हैं? ब्राह्मण वोट को लेकर चर्चा तो है, लेकिन जो अखिलेश भैया कहते रहते हैं कि हम ब्राह्मणों के लिए, अभी तक उन्होंने कुछ भी नहीं किया, खाली कहते हैं कि ब्राह्मणों के लिए हम 108 फुट की मूर्ति बनाएंगे। इस समय वो ब्राह्मणों को लुभाने में बहुत आगे चल रहे हैं इस समय, कि कभी क्या नाम है, हम 108 की मूर्ति, 108 फुट की मूर्ति बनाएंगे परशुराम भगवान की, उसके बावजूद क्या नाम है, जितने भी ब्राह्मण संगठन हैं उनसे बात करे जा रहे हैं कि हम आपके प्रिय हैं और दूसरी पार्टी प्रिय नहीं है, ये खाली कहने का और एक लालच देने का उनके आधार है, बस वो लालच दिए जा रहे हैं, लॉलीपॉप दिए जा रहे हैं, खाली वो कहते हैं कि हम हैं, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं किया। आप देख सकते हैं उनकी 2000 जब उनकी सरकार थी, 2014 से पहले, 2017 से पहले जब उनकी सरकार थी, उन्होंने 5 साल के अंदर कितना काम किया, 5 साल के अंदर मिलके उन्होंने खाली 300 कुछ किलोमीटर का क्या नाम है, ताज एक्सप्रेस, जो आगरा के एक्सप्रेस, उन्होंने किया, बस और कुछ भी नहीं पूरे 5 सालों में। आप तो पूर्वांचल के हैं, पूर्वांचल को लेकर चर्चा होती कि हमने उद्घाटन किया था, हमने सारा कार्यक्रम किया, अखिलेश यादव कहते हैं बीजेपी ने तो खाली उद्घाटन किया, उनका सीधा सीधा आरोप है, आप कैसे देखते हैं, क्योंकि आप पूर्वांचल, सच बताइए। भाई साहब आज आप खुद देख रहे हो, जनता पूरी देख रही है कि 3-3, 4-4 एक्सप्रेस वे मिल गया, उसके बाद कहने को तो कोई भी कह सकता है कि क्या नाम है, हमने अब ऐसे तो पीछे कांग्रेस भी कह सकती है कि हमने उद्घाटन करके छोड़ दिया, आप क्या नाम है, आप दूसरी पार्टी आ रही वो काम रही है, उद्घाटन से ज्यादा तो हमारे योगी जी ने काम किया, जो क्या नाम है, अखिलेश के जितने गुंडे थे आज चाचा भैया फूफा सब एक अलग अलग टीम में बटे हुए हैं। क्यों बटे हुए, जब उनके घर की राजनीति ठीक नहीं है तो बाहर की राजनीति कैसे ठीक कर सकते हैं। जी बताइए 4.5 साल योगी आदित्यनाथ का कार्यकाल, मायावती जी का कार्यकाल, अखिलेश यादव का कार्यकाल आपने देखा होगा, क्या देखा आपने 4.5 साल में, इससे पहले क्या था? इससे 4 साल पहले खाली इन्होंने अपनी राजनीति चमकाने का काम किया, अपने जातिवाद को लेके काम किया, कभी सबको साथ लेके काम नहीं किया, खाली मुस्लिम वोटर्स, यादव वोटर्स, मायावती जी अपने भाजपा वगैरह में बहुजन वोटर्स, इन सबको लेके खाली जातिवाद फैलाने का काम किया, खाली ये दूसरों पे आरोप ये लगाते रहे कि पार्टी जो बीजेपी पार्टी है वो ये कहती है कि क्या नाम है, धर्म और जाति की राजनीति करती है, परंतु ऐसा कुछ भी नहीं है। मोदी जी का सबसे पहला यही नारा था, सबका साथ सबका विकास, और वो सबको साथ लेके चलने वाला काम करते हैं। मुस्लिम महिलाओं के हक में उन्होंने काम किया, सबसे ज़्यादा मुस्लिम महिलाओं ने उनको वोट दिया, उसके बावजूद क्या नाम है, यादव जो भी थे और जो कैटर्स वोट थे उन लोगों के लिए ज़्यादा काम किया उन्होंने। आप ये बताइए एक भी जगह हमारे 4 साल योगी जी जब से सत्ता में बैठे, एक हमें कोई कह दे कि हमारे साथ जातिगत की राजनीति हुई है, एक कोई वहाँ का यूपी या उत्तर प्रदेश का व्यक्ति कह दे कि हमारे साथ जातिवाद या क्या नाम है धर्म जात उसके हिसाब से राजनीति की जा रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप ये देखिए राजनीति और धर्म की जो इन्होंने राजनीति चालू करी थी, इन्होंने ही चालू करी है, कांग्रेस और बहुजन और समाजवादी पार्टी ने, समाजवादी पार्टी ने।
सर आप कैसे देखते हैं, अगर बात करें हरिजन आप हैं, दलित हैं, क्या देखते हैं, अगर मायावती का क्या फैक्टर है? सर मायावती जी के बारे में क्या बताएं, मायावती जी हमेशा कहती हैं हम दलितों के बहुत बड़े मतलब वो हैं, उनकी शुभचिंतक हैं, लेकिन अगर मैं कहता हूं अगर आप दलितों की शुभचिंतक हैं, आप खुद भी एक दलित हैं, लेकिन आपने कितने दलितों का उत्थान किया है? मेरे हिसाब से किसी का नहीं। आप एक एक टिकट के लिए 3-3 करोड़, 4-4 करोड़ और 5-5 करोड़ चार्ज करते हैं, आपने कितने दलितों को टिकट दिया अपनी पार्टी से? अगर आप चाहती अपनी पार्टी से अगर एक कार्यकाल में एक चुनाव में 50 दलितों को निःशुल्क टिकट दे के उनको आप सांसद विधायक या नेता या मंत्री बनाती तो क्या वो अपने कम्युनिटी के लिए काम नहीं करता? क्यों नहीं करता भाई? लेकिन आपने ऐसा कभी नहीं किया। क्यों? क्योंकि आपको सिर्फ पैसे प्यारे हैं, लोग नहीं। अच्छा एक बात ये बताइए, आजमगढ़ का नाम बदला जा रहा, तिवारी जी योगी जी कहते हैं हम आर्यमगढ़ कर देंगे, विरोध हो रहा है, अखिलेश यादव कहते हैं आर्यमगढ़ किया तो हम फिर आजमगढ़ कर देंगे। भाई साहब किसी ने जो हमारी सांस्कृतिक धराएं थी, जो पहले जो सांस्कृतिक सिस्टम चलते आ रहे हैं पहले से, जो उसका नाम था वो वही, तो बाद में जो नाम चेंज किया गया, हम अब तो हम अपनी पूरी जो हिंदुस्तान का मतलब क्या, हिंदू भाई और सारे मतलब भाई का यहाँ पे हिंदुस्तान के अंदर सबसे बड़ा जो रिश्ता होता है वो मुँह बोला रिश्ता होता है। जैसे हमने अगर किसी को भाई बोल दिया तो भाई हो गया, क्यों? क्योंकि वो हमारी संस्कृति है, संस्कृति हमारी यही कहलाती सिखाती है कि हम एक अगर दूसरा भाई किसी भी बिरादर का किसी भी जाति का अगर हमने उसे भाई बोल दिया, किसी को बहन बोल दिया तो हमारी बहन होती है, ठीक है। तो हमारा जो नाम था पहले का हम तो वही कर रहे हैं, हम बदल कहाँ रहे हैं? जो हमारा नाम था जिले का, डिस्ट्रिक्ट का, आर्यनगढ़, हम तो वही कर रहे हैं। आप एक बात, अगर हम अपनी संस्कृति, आप कल को कहो कि भगवत गीता क्यों पढ़ते हो, रामायण क्यों पढ़ते हो, तो ये उनके कहने तो थोड़ा छोड़ देंगे। जो कुछ आक्रांताएँ थे जिन्होंने आया हमारे देश पर राज किया, लूट मार मचाई, उसके बाद इतने कार्यक्रम किए, नाम बदले, आप बताइए ना कहाँ के नाम नहीं बदले उन्होंने? अगर एक मुझे बता दो कि एक बंदा आके उन्होंने अपने जो ये धर्म की जो कहते हैं कि हमने धर्म की राजनीति नहीं करी, इन्होंने कहाँ विरोध किया कि हमारा तो संस्कृति, हमारी संस्कृति ये कहती है आपने ये क्यों काम नहीं किया? ये संस्कृत के विरोध में ही सारा काम करते हैं। क्यों? क्योंकि देश को आगे ले जाने का काम इनका नहीं है, इनको अपनी राजनीति और अपना सत्ता और अपनी सीट की लालच है कि हमारी रोटी कैसे सीखी जाए, हम कैसे मुख्यमंत्री बने और हम कैसे जनता को अपने पीछे पीछे दौड़ाते रहें। क्या देखते हैं, मायावती इस समय कह रही हैं कि हम बन रहे हैं मुख्यमंत्री, अखिलेश यादव कह रहे हैं, क्या देखते हैं आप? सर ये लोग पहले तो इनका जो लास्ट टाइम चल रहा था चुनावी परिक्रमा जो भी चल रही थी आपस की, पहले तो ये लोग दोनों के दोनों एक दूसरे के खिलाफ रहते थे, लेकिन पिछले चुनाव में सारी की सारी पार्टियां एक हो गई। क्यों? बीजेपी को हराने के लिए। क्यों भाई, पहले भी तो आप लोग एक साथ में क्यों नहीं चुनाव लड़ रही है? आप लोग पहले अलग अलग मुख्यमंत्रियों के लिए चुनाव लड़ते थे कि बहन जी मुख्यमंत्री बनेंगी और इधर अखिलेश जी मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन नहीं, पिछली बार उनको हराने के लिए बीजेपी को, ये दोनों के दोनों बुआ और बबुआ एक हो गए। लेकिन क्यों? क्योंकि बीजेपी अच्छा काम कर रही थी, बीजेपी अच्छा काम कर रही है और आगे फिर ये लोग कुछ ऐसा ही करेंगे कि बीजेपी को हराने के लिए कुछ इस तरीके से करें कि बीजेपी हारे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जनता के मूड में सिर्फ और सिर्फ योगी आदित्यनाथ के अलावा कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं। लेकिन आजमगढ़ से सांसद तो अखिलेश यादव ही बनते हैं। कोई बात नहीं, इस बार नहीं बनेंगे। इतना कॉन्फिडेंस क्यों? क्या कॉन्फिडेंस है? ये जिस तरह से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बना इसके बाद है कि और कुछ है? नहीं, सरकार की कुछ नीतियां जो इस तरीके से लागू हुई हैं कि जिस टाइम अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे और वर्तमान में वहां से सांसद भी हैं, उन्होंने कुछ भी नहीं किया उस क्षेत्र के लिए। क्षेत्र से जीतते तो हैं पर क्षेत्र में कभी नजर नहीं आते हैं। क्षेत्र से पूर्वांचल एक्सप्रेस वे हमने बनवाया, बीजेपी ने उद्घाटन कर देने से क्या होता है बताइए? उद्घाटन करने से कुछ होता है क्या? लखनऊ में मेट्रो बनी, एक स्टेशन बना था, बीच में पटरी बिछी ही नहीं थी और इन्होंने बोल दिया जी मेट्रो चल रही है। अरे मेट्रो क्या पटरी फर्श पे चलेगी क्या? उसके लिए पटरियां बिछनी होती हैं। कहते हैं मेट्रो का उद्घाटन हमने करा। अरे उद्घाटन कर देने से क्या होता है? कहते हैं काम धरातल पर दिखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि स्टेशन बना के उद्घाटन कर दिया जी हाँ काम हो गए। काम को दिखाना पड़ता है, जनता की नज़रों में आना पड़ता है कि काम हो गया है, जैसे कि पूर्वांचल एक्सप्रेस वे। क्या नाम है सर? सुनील कुमार। क्या देखते हैं पूर्वांचल में, क्योंकि पूर्वांचल बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है? पूर्वांचल में देखना क्या है, पूर्वांचल में फिर से बीजेपी का भगवा लहराएगा। हाँ इतना भरोसा क्यों है? बिल्कुल भरोसा, क्योंकि काम बोलता है, नाम नहीं। पहले बंदूक बोलती थी, कट्टा बोलता था, लेकिन अब काम बोलता है। अच्छा पहले के शासनकाल की आपने बात उठा दी, तो कैसा था पहले का शासन, आज का? पहले का शासनकाल जो बाहुबली था उसका राज था, लेकिन अब जो सेवा करता है उसका राज है, जो सेवा करेगा वो राज करेगा। लेकिन अखिलेश जी तो कहते हैं हमने बहुत विकास किया पूर्वांचल में, पश्चिम में। अखिलेश जी हो गई, मायावती हो गए, ओवैसी हो गए या ओपी राजभर हो गए, इनका सिर्फ एक नीति है। पहले मोदी जी को गाली देते थे, अब ये देश को गाली देते हैं।
क्योंकि इनकी मानसिकता देश विरोधी हो चुकी है और ये जनता अब उत्तर प्रदेश की समझ रही है हाँ कि इनको लाना नहीं है। अगर इनको लाया गया तो देश का बेड़ा गर्क होगा, इसलिए योगी ही आएंगे। ओपी राजभर की आपने बात कर दी, वो तो सब बीजेपी छोड़ के सपा में चले गए, क्या प्रभाव है पूर्वांचल में, क्योंकि अगर नीचे लेवल पे क्या प्रभाव है सुहेल देव पार्टी का? सुहेल देव पार्टी का कोई प्रभाव नहीं है उत्तर प्रदेश में। वो तो कहते गंगा में हम बहा देंगे इस बार बीजेपी को। आप बिल्कुल सही कहते हैं, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि बीजेपी को बुलाया ही गंगा माने हैं, तो अगर वो गंगा में बहा देंगे तो बीजेपी का उद्धार ही तो होगा। बड़ी वाली बात कर दी, बीजेपी का उद्धार ही होगा ना। ओपी राजभर के बस की बात नहीं है कि उस गंगा में जाना, क्योंकि उस गंगा में वो एक बार बह रहे थे लेकिन कचरा किनारे लग ही जाता है, कचरा किनारे लग जाता है। इन्होंने ओपी राजभर की बात की, आप कैसे देखते हैं? ओपी राजभर सिर्फ और सिर्फ अपनी कम्युनिटी के वोट्स को लेके देखते हैं, लेकिन उनकी कम्युनिटी भी समझदार हो चुकी है, जो राजभर समाज है वो समझदार हो चुका है, अब जातिगत राजनीति पे विश्वास नहीं रखता है, अब काम की राजनीति पे विश्वास रखता है। हाँ जी, ब्राह्मण वोट को लेकर एक चर्चा होती है, मायावती ब्राह्मण सम्मेलन कर रही सतीश मिश्रा के साथ मिलकर, बड़ी चर्चा हो रही है, क्या देख रहे हैं? अभी आपने बीच में देखा होगा सतीश मिश्रा जी अयोध्या में जो हुआ था, आज तक पे अयोध्या में आए थे सतीश मिश्रा जी, आपने वहाँ पे देखा था, क्या नाम हमारी बहन स्वाति सिंह जी जो मंत्री हैं और क्या नाम है और भी दलों से आए थे लोग, तो वहाँ पे उन्होंने सतीश मिश्रा ने अपनी पहचान वहीं पे बता दी, वो पूरा देश आज तक के चैनल के माध्यम से देखा कि वो वहीं पे जब स्त्रियों का सम्मान किस तरीके से करते हैं और किस तरीके से करती है। और जो मायावती जी कहती हैं कि हम ब्राह्मणों का, जब उन्होंने दलित कैडेट लेके खड़ी हुई तो दलित का उद्धार करो ना पहले, दलित का, उसके बाद आपने हरिजन एक्ट लगा दिया, आप ये अगर ठीक है आप दलित के उसमें काम कर रहे हैं तो एक्ट लगाने से पहले सोचना तो चाहिए कि आप कल को, मैं हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं जा रहा हूँ, मुझे कोई भी कह दिया कि तिवारी जी राम राम या पंडित जी राम राम, हमने बोल दिया भैया राम राम, ठीक है, अगर आप जिस जाति से हो या किसी अधर्म से हो आप वहाँ पे जाके बोलते हो, एक्ट लगाने के बाद गाली दे दिया, वो गया बोला कि भैया हमें तो चमार कह के गाली दे दिया, अरे जब आप हर क्या नाम है आरक्षण उस पर लेते हो तब आपको दर्द नहीं होता है, आप क्या नाम है सारी मूलभूत सुविधाएं उस पर लेते हो तब आपको दर्द नहीं होता है, अगर आपको किसी ने राम राम बोल दिया तो आपको बड़ी चिढ़ लगी, पंडित जी को तो नहीं चिढ़ लगती। सतीश मिश्रा फिर क्यों लगे हुए हैं आपने इतनी बात? सतीश मिश्रा जी तो चमचे हैं उनके, सतीश मिश्रा जी सोच रहे हैं कि ये मायावती जी काशीराम के पीछे थी, काशीराम चले गए मायावती को दे दिए, अब मायावती जाएंगी तो सतीश मिश्रा जी को दे देंगे। दलित वोट बैंक की अगर बात करें, खासकर हमेशा से बहुजन समाजवादी पार्टी का वोटर रहा है, 2014 की बात करें 2017 की बात करें तो बढ़ चढ़ कर बीजेपी में वोट किया, क्या ऐसी कमी लगी बीएसपी में कि आपने बीजेपी की तरफ मूव किया? सर जो एससी समाज है वो पहले तो वाकई में मायावती जी का वोट बैंक ही रहा है, ये कोई पीठ पीछे की बात नहीं है, सबको ज्ञात है, हर चीज़ सबको पता है, लेकिन जो इन 60 सालों में होना था वो उनका उत्थान नहीं हो पाया उन पार्टियों के साथ में, पार्टी चाहे जब भी बनी हो मुझे नहीं पता, पहले तो कांग्रेस राज करती रही, हमारी अभी उम्र ज़्यादा नहीं है, 30 साल की है, तो हम अपने एज के अकॉर्डिंग ही देखेंगे कि कहाँ किस पार्टी ने कितना उसका उत्थान किया और कितना नहीं किया है, लेकिन मेरे हिसाब से जब से बहुजन समाज पार्टी ने दलितों को अपना वोट बैंक समझा है उस वोट बैंक के अकॉर्डिंग उसने काम ही नहीं किया, इनके लिए कोई सुविधाएँ ही नहीं, जो जो अम्बेडकर ग्राम बना दिए सिर्फ उनमें विकास नज़र आता है, बाकी क्या दलित और कहीं नहीं रहते क्या, और कहीं निवास ही नहीं करते क्या, सिर्फ अम्बेडकर ग्राम में ही दलित लोग रहते हैं, आज तक 70 साल हो गए थे, 70 साल ऐसे ऐसे गांव पड़े थे जहां तक लाइटें नहीं पहुंची थी, मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में उन्होंने 1000 दिन का लक्ष्य रखा था हर गांव को बिजली जाएगी और उन्होंने वो करके दिखाया था, अगर एक घर भी है वो कहीं 10 किलोमीटर 50 किलोमीटर या 100 किलोमीटर दूर वहाँ पर बिजली पहुँची है, वो ये मोदी सरकार के राज में हुआ है, तो मायावती जी को क्या इसमें कहाँ से वोट बैंक वोट का फायदा होगा बताइए ना मुझे, कहाँ से फायदा होगा जब तो के वोट को लेकर अब चंद्रशेखर और रावण भी आ गए, भीम आर्मी भी आ गई है, भीम आर्मी आ जाए, चंद्रशेखर रावण आ जाए, या मायावती जी आ जाए, या सुहेल देव राजभर आ जाए, या तो अखिलेश यादव आ जाए, चाहे कुछ भी हो सरकार तो बनेगी योगी जी की ही, इतना कॉन्फिडेंस है बिल्कुल, क्योंकि क्षेत्र के लिए काम किया है योगी जी ने, काम को धरातल पर लाया है, लोगों की नज़रों में लाया है, ये नहीं कि कागजों में सिर्फ काम हुआ है, नहीं, पता नहीं कितने सौ उद्घाटन हुए थे, मेरे पास अभी वो डिटेल्स नहीं है, नहीं तो मैं आपको पूरी डिटेल्स दे देता कि इतने सौ उद्घाटन हुए हैं, लेकिन उन उद्घाटनों का कुछ हुआ नहीं हुआ, योगी सरकार में जितने उद्घाटन हुए हैं उनका काम हुआ है,
उन पे जनता ने देखा है, इतने लोगों को रोज़गार मिले हैं, इतने लोगों को घर मिले हैं, इतने लोगों को शौचालय मिले हैं, इतने लोगों को बिजली मिली है, तो ये सारे काम बोलते हैं। तो आप समझ सकते हैं उत्तर प्रदेश के चुनाव हैं, और चुनाव में खासकर पूर्वांचल की बात करें, पूर्वांचल हमेशा से सभी पार्टियों के लिए सत्ता पाने का एक बहुत ही बड़ा हथियार है, क्योंकि 150 से ऊपर 167 के आसपास पूर्वांचल में सीटें हैं। अब देखते हैं पूर्वांचल में किसका कमल खिलता है, या साइकिल चलती है, या हाथी अपनी रफ्तार भरता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन पूर्वांचल जिसने जीत लिया वही सत्ता पर राज करेगा। दोस्तों बने रहिए द न्यूज़पेपर के साथ, मैं हूँ राजवीर शाह। जय हिंद।